हेलो जी, वी आर बैक अनदर व्लॉग। तो अभी मैं नींद से उठा हूँ, सुबह के 9 बज रहे हैं। तो बाहर आप मौसम चेक कर सकते हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं भाई, वो देख सकते हैं आप, जूम करके देखिए आप। तो यार अभी मैं नींद से भी उठा हूँ, तो यार 12-1 बजे मुझे जाना भी है किधर, गाँव मेरा जो ज़मीन है ना, उधर जाऊँगा। तो इस वजह से मैं अभी आज जल्दी उठ गया हूँ, थोड़ा फ्रेश भी अभी हूँगा, तो फ्रेश होने के बाद जाऊँगा उधर। तो अभी फ्रेश अभी तो मैं हूँगा, 10-11 बजे हूँगा। तो अभी बैठा हूँ ऐसे ही अपने घर के, ये जो नहीं है रास्ता, इसको मैं मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, इधर मैं बैठा हूँ, बिट्टी अपने जबान बोलते हैं। तो गाइस अभी मेरा अचानक से तबीयत ख़राब हो गया है, सर में दर्द और उल्टी वगैरह भी हो रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास पापा के साथ। तो अभी मिलते हैं डॉक्टर को, दिखाएंगे यार तबीयत बिल्कुल डाउन हो चुका है। मैं अपने गांव में आ चुका हूँ, तो ये है मेरा गांव। तबीयत अभी यार थोड़ी बहुत अच्छी हुई है, तो अभी मैं जा रहा हूँ उधर, हमारा थ्रेशर लग रहा है मेरी ज़मीन पे, तो मैं उधर जा रहा हूँ। तो इधर थोड़ा काम था अपनों के पास, तो उधर आया था, तो अभी जाऊँगा उधर। यार होता नहीं क्या, मैं मुँह तो साफ आए, मुँह ही साफ नहीं रहा यार, गाड़ी का हालत तो ख़राब हो रहा है, ये मुझे पता है, ये इसका हालत तो ख़राब हो जाएगा, फिर इसको सर्विस करवाएं, मसला है क्या। आ रहे हैं ज़मीनों पर चक्कर लगा रहे हैं, और अभी मिलते हैं आपको जब उधर थ्रेशर में पहुँचे। वो मैंने दरअसल शॉर्ट्स में तो दिखाया होगा, तो अभी मैं ऐसे ही चक्कर लगा रहा हूँ इसी रोड पे, जो नया रोड बना है, तो मैं उधर ही घूम रहा हूँ ऐसे ही। तो अभी जाऊँगा घर, तो इधर से तो चक्कर वगैरह लगा के फिर चलते हैं घर। यार ऐसा क्या फ़ायदा, इतना इतना तेल साड़ के आए फिर घूमे नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या भाई। तो वो सामने आप जो देख रहे हैं ना दरख्त, इनके पीछे वाले समय सारे के सारे मेरे यहाँ से बड़ा लैंड है भाई, चल चल के हम थक पाएंगे। मैं नहीं जाता इतना, कभी मैंने देखा नहीं कितना दूर है भाई, टांगों में दर्द हो जाएगा, तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है, इतना दूर है। तो अभी मिलते हैं आपको डायरेक्ट झटपट में। तो गए अभी हम झटपट पहुंच चुके हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ बाबा के पास। बाबा फ़ोन नहीं उठा रहा, उसका नंबर बंद है आई थिंक, उस मोबाइल में चार्जिंग नहीं हो, तो इस वजह से। तो यार मौसम अच्छा हो गया है, मुझे सर्दी हो रही है, तो मुझे मलेरिया भी हुआ है, जो आपको नहीं पता मैंने आपको अभी बताया है, तो मलेरिया भी है। तो अभी मैं सही बस बाइक पे घूम रहा हूँ यार, बिल्कुल तो यार तबीयत तो डाउन हो गया है एकदम से, हल्का हल्का बुखार भी हो रहा है यार। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाबा को उठाने, तो बाबा आता है तो चलते हैं, फिर हम कहते हैं सब कुछ। तो गाइस अभी गाड़ी ब्लैक हो रहा है, ये लाइटें वगैरह ब्लैक करवाई हैं, और वो भी वो शीशा ब्लैक हो रहा है। तो ये जब ब्लैक होएगा तो फिर आपको दिखाएंगे, लोग अपने घर में आएगा तो उधर अच्छा लुक दिखेगा, तो फिर हम आपको उधर ही दिखाएंगे। अभी मैं घर पहुंचने वाला हूं, बस जो कि आप ये रास्ता देख सकते हैं, बस मैं इधर ही पहुँचाऊँ, तो जो कि मेरे घर के सामने नज़दीक रास्ता है, तो मैं उधर ही पहुँचाऊँ बस। तो अभी मिलते हैं आपको बस जाके घर पे ही, जो आपको गाड़ी का फाइनल लुक हम दिखाएंगे, तो कैसा बनाए तो ब्लैक यार। गाइस गाड़ी का फाइनल लुक ये है, जो कि आप देख सकते हैं ये दोनों ब्लैक हो गई। तो ये पिछला तो मैंने नहीं करवाया, लेकिन ये आपको दिखाऊंगी भी फुल है, और अगला मीडियम है, जीरो पेपर नहीं है, ये फुल है, फुल से थोड़ा कम, तो आगे से ऐसा दिखता है। तो यार मैंने नंबर प्लेट उतारा, वो तोड़ दिया था मैंने कल, वो सामने पड़ा है, वो मैंने कल तोड़ दिया गुस्से में, इस वजह से। तो ये भी ब्लैक हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। तो यार गाड़ी भी बहुत गंदी हो गई है, कल सर्विस करवाया था मैंने इससे ड्राइवर से, बस क्या करें यार, गाड़ी को गंदा तो होना ही यार। ये इधर से गाड़ी ऊपर नहीं लग रही, आप बताएं मुझे, यहाँ से देखें और मैं इधर से देखूं, इधर से भी ऊपर हो गई यार गाड़ी। मैं पुराने में वीडियो चेक करूँ तो उसमें देखता हूँ ये ऊपर है कि नीचे। तो अभी मैंने इसको बंद कर दिया, अब खड़ा है, तो बस इसको रात को निकालेंगे, चलेंगे बाजार से। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बाजार बाइक पे, तो जो कि आप देख सकते हैं अभी ये कुछ इस तरह का रास्ता है, तो बाबा को बिठाऊंगा, फिर जाएंगे चक्कर लगाएंगे बाजार में। तो अभी बस मिलते हैं आपको जब बाबा को मैं उठाऊँ, ये बाबा उठा, इसका दूसरा दिन है, इसके नंबर बंद है, पता नहीं क्यों, उससे पूछूंगा नंबर क्यों बंद है, फिर आपको बता रहा हूँ मैं इसका नंबर क्यों बंद है।
तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ फाटक पे, जो कि आप देख सकते हैं। इसकी वजह एक है, जो मेरा एक अब्बू का दोस्त है ना, शमन अली मीर अली सिंगर, वो उसका भी बेटा आ रहा है हमारे घर, तो इस वजह से मैं इधर खड़ा हूँ उसको लेने। तो इस गली से बस चले जाएंगे। तो सुना तो होगा और देखा भी, ऑल पाकिस्तान में होगा यार, आउट ऑफ कंट्री ने भी देखा होगा शायद उसको। तो वो आ रहा है आज, मैं उसके साथ जाऊँगा इधर घर की तरह। तो गाइस शमन मीर अली के बेटे को तो अब्बू के पास छोड़ दिया, उसका नाम है रियाज मीर अली, तो उसको छोड़ दिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाजार, ये बोल रहा है पिज़्ज़ा खाएं, तो अभी हम उधर जा रहे हैं या इसको साफ़ करते हैं, क्या पास साफ नहीं है। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं उधर ही पिज़्ज़ा वाले के पास, तो बस आपको मिलते हैं उधर ही अमार बेकरी पे। हाँ झटपट भी नहीं पिज़्ज़ा वाला है, आप सोचेंगे ढेकाबाद जा रहे हैं, तो कल नहीं परसों बाबा किधर जाएंगे, चतन जाएंगे ढेकाबाद, सोचेंगे। हाँ तो फिर गाइस को बताएंगे, फिर चतन जाएंगे ढेकाबाद, इधर भी जाएंगे अल्लाह मालिक। तो गाइस अभी पिज़्ज़ा लाया है, पिज़्ज़ा देखा भाई, ये पिज़्ज़ा लाया है, तो अभी हम इसको फिनिश करके तो बस मिलते हैं आपको जब बाबा को उतारेंगे। तो यार अभी हम उसके अंदर बेकरी के अंदर व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि रश था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से तो अभी हम जा रहे हैं घर घर की तरफ, तो मिलते हैं सुधर ना। तो गाइस इस व्लॉग को इधर एंड करते हैं, उम्मीद को अच्छा लगा हुआ, अच्छा नहीं लगा तो अच्छा करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट व्लॉग में, तो इस व्लॉग करते हैं इधर ही एंड। अल्लाह।